इसराइल ने नसरल्ला को मारा तो युद्ध में ईरान आया। ईरान ने इसराइल को दहलाया तो वॉर जोन में अमेरिका आया। अमेरिका के युद्ध में आते ही क्या पुतिन ने खाड़ी में दी दस्तक? आर पार का युद्ध है ये, अब किसी के रुके ना रुकेगा। हर खेमे में ऐलान हो चुका है, इसराइल और इस्लामिक फाइटर की लड़ाई महायुद्ध में बदल गई है। भीषण हमले शुरू हो चुके हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल फट रही हैं। जैसे लेबनान दहल रहा है वैसे ही इसराइल में कोहराम मचा है। ईरान के हमले के बाद इस युद्ध में अमेरिका ने भी दमदार एंट्री कर ली है। तुर्की भी इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है, मतलब ये कि महायुद्ध में अब महाशक्तियों के हथियारों की टक्कर शुरू होगी। इसराइल को 181 फतेह मिसाइल हमले से दहलाने के बाद ईरान ने जो ऐलान किया है उसने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए खाड़ी मुल्कों से फौरन रफा दफा होने का फरमान सुनाया है। इसराइल पर हमले का जश्न जिस तरह से ईरान समर्थित लड़ाके मना रहे हैं उससे सुपर पावर अमेरिका बौखलाया हुआ है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल स्ट्राइक को सिर्फ ट्रेलर कहकर आगे की तबाही से अलर्ट भी कर दिया है। بدون شک این درگیری ها این جنگ ها این برخورد ها به کلی از بین خواهد رفت و کشورهای منطقه میتونن خودشون رو اداره کنن منطقهشون رو اداره کنن تهران کے سیکرٹ لوکیشن سے خامنئی کے میسج آنے بھر کی دیر تھی کہ کئی ملکوں میں ہائی لیول میٹنگ شروع ہو گئی प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम से हाई लेवल मीटिंग बुलाकर इसराइल को फुल सपोर्ट का ऐलान किया है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने इसराइल पर हुए हमले की कीमत तेहरान से वसूलने की धमकी देने के साथ खाड़ी के सभी यूएस बेस पर हाई अलर्ट कर दिया है। इसराइल के साथ मिलकर अमेरिका खाड़ी में नए वॉर प्लान पर जल्द एक्शन ले सकता है। We will consult with the Israelis on next steps in terms of the response and how to deal with what Iran has just done, and we will continue to monitor for further threats and attacks from Iran and its partners. America ke open elan ke baad bhi Iran mein jashn ka daur jari hai. Iran ki sadkon par banner poster mein yuddh ke liye ready hone ki dhamki di ja rahi hai. मायने ये कि अब ईरान अपने सभी हिसाब चुकाने के मूड में है, लेकिन सुपर पावर से ईरान कितने दिन युद्ध कर पाएगा? अमेरिका के हथियारों की काट ईरान कहां से लाएगा? क्या ईरान अरब देशों के दम से अमेरिका इसराइल से युद्ध जीतने का भ्रम तो नहीं पाल रहा? ईरान के दुस्साहस की असल डिटेल जानने से पहले अरब वर्ल्ड से आया ये मैसेज भी सुन लीजिए। मैसेज है सऊदी अरब का, मैसेज है ईरान के लिए, जिसमें साफ कहा गया है कि सऊदी अरब खाड़ी में वॉर टेंशन को बढ़ने नहीं देना चाहता। The escalation that we've seen, but I will generally refer anyone who's interested to the Ministry of Foreign Affairs because they are designated to comment on this. However, looking at the global economy as a whole, looking at our region, it is clear is operating at a loss.